अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? तुम्हें कैलाश छोड़ के जाना होगा, तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़ के जाना होगा। अंधकार से जन्मा ये शिशु मेरे सभी गुणों के विपरीत है। इसके नेत्रों की दृष्टि जिस पर पड़ेगी वो अंधकार में टूट जाएगा। आज मेरा ध्यान कहाँ है? दो पत्रों के बिल पत्र तो पूजा के लिए उचित नहीं, कि क्या होने पर भी अब वो बिल पत्र ही एकत्र क्यों कर रही हूँ मैं? इसका कारण अवश्य वो भूल है जो मुझसे अनजाने में हुई है, जिसके परिणाम का विचार ही मेरे मन को इतना अशांत कर रहा है। नमः शिवाय। वत्सहिण्याक्ष, धन्य हो प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुन ली। प्रभु हिरण्याक्ष, तुम जिस पुत्र को पाने के लिए इतनी कठोर तपस्या कर रहे थे वही पुत्र मैं तुम्हें देने आया हूं। इसे स्वीकार करो। से तुम्हारा पुत्र है अंधक। अंधक अंधक अंधक? हां, क्योंकि इसका जन्म अंधकार से हुआ है, किंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इसे उचित संस्कार दोगे और यह एक उत्तम पुत्र प्रमाणित होगा। सदैव स्मरण रखना, मेरे अंधकार से जन्मा है अंधक। इसके भीतर के अंधकार को रोकने के लिए इसके नेत्रों पर बंधा ये वस्त्र कभी हटने मत देना। प्रभु, आपसे पुत्र रूपी वरदान पाकर मैं धन्य हो गया। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं इस बालक को उचित संस्कार दूंगा। धन्यवाद प्रभु। आपने मुझ पर कृपा कर मुझे अपने भव्य दर्शन दिए। मेरे समस्त कष्टों को हरा मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। अपना आशीष प्रदान कर मुझे प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए प्रभु। ऋषि कश्यप को दिए मुझे अपने वचन को अपूर्ण करना है। गणेश, मैं आपका आभारी हूँ। परम कृष्ण और परम माता राधा के दर्शन करवा के आपने मुझे कृपा की। प्रभु परशुराम जी, ये तो पिताश्री और माँ की आज्ञा थी, किंतु मुझे भी तो दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इसलिए उपकार तो आपका भी है मुझ पर। मेरा मन कुछ अधिक ही विचलित हो रहा है। मुझे शीघ्रता कर माँ के पास कैलाश लौटना होगा।
तुमने क्या कर दिया? मेरे साथ अपून बेल पत्र एकत्रित कर बैठी, पूजा के पुष्प शिवलिंग के स्थान पर धरती पर गिरा दिए मैंने, कमंडल के जल से रिक छोड़ दिया मैंने। अवश्य इसका कारण मेरी भूल है स्वामी, आप ही उपाय सुझाइए, अपनी भूल कैसे सुधारूं मैं? राश्चित, राश्चित, राश्चित। उचित है स्वामी, राश्चित ही करना होगा मुझे, मेरा मार्गदर्शन कीजिए नाथ, बताइए मुझे इस राश्चित पर कैसे करूं, सभी कष्ट सहूंगी मैं, बताइए स्वामी क्या करना होगा मुझे? उमा, तुम्हें कैलाश का त्याग करना होगा, 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 तुम्हें खुले नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो स्वामी, वो तो केवल एक भूल थी, मैंने ऐसा किसी अनिष्ट की इच्छा से नहीं किया था स्वामी। जगत पिता और जगत जननी के नाते एक छोटी सी भूल भी बहुत बड़ी बन जाती है, तुम्हारी एक छोटी सी भूल का भयानक परिणाम है अंधक का जन्म। स्वामी का इतना बड़ा दंड मत दीजिए मुझे, मुझे आपसे और पुत्र गणेश से भी दूर मत कीजिए स्वामी,
आपके माँ पहले से ही अपने पुत्र कार्तिकेय का वियोग सह रही है। जहाँ संयोग है वहाँ वियोग भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है, यही सत्य है। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्राश्चित करना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर जाना होगा। तुम्हें कैलाश छोड़कर तुम्हें मुझे और पुत्र गणेश को छोड़कर जाना होगा। शिव की शक्ति हो तुम उमा, तुमसे दूर होना तो मेरे लिए भी कष्टदायक होगा, किंतु यही अनिवार्य है। स्वामी, कठिनाई में पड़े अपने भक्तों की सहायता करते हैं आप, तो क्या इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे प्रभु? नहीं उमा, इस समस्या का एक ही समाधान है, तुम्हारा प्राश्चित। अब तुम्हें जाना ही होगा। इतनी कठोरता मेरे प्रति? आपके आदेश का पालन करेगी आपकी पार्वती स्वामी, उसके लिए हृदय पर आघात लेकर आपसे दूर जाना होगा, तो जाऊंगी मैं। से दूर तो मैं भी नहीं रह सकता उमा, किंतु क्या करूं, ये भगवान की विवशता है। व्यर्थ है मेरी आशा, मुझे ज्ञात है कभी नहीं रोकेंगे आप मुझे। आपके लिए तो आपका कर्तव्य ही सर्वोपरि है ना, आपकी पार्वती से भी ऊपर है आपका कर्तव्य। एक दूजे के शंकर और उमा, एक
किंतु विधि में लिखा है बिछोहा। कैलाश से निकली गौरी अरण्या, शंभो को छोड़ चली शक्ति जगजन्या। नेत्र बंद कर संसार में अंधकार का संचार कर, तुमसे बहुत बड़ी भूल हुई। सृष्टि को भावी दुखों से बचाने के लिए तुम्हें पृथ्वी पर जाकर प्राश्चित करना होगा। स्वामी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। आप मेरे साथ भवन के भीतर चलिए। Ah!
पिताश्री, मैं लौट आया। आप कहाँ हैं माँ? कहाँ हैं आप? पिताश्री, माँ क्यों नहीं दिखाई दे रही है? कहाँ है वो? बताइए मुझे, कहाँ है माँ? माँ कहाँ है, बताइए ना पिताश्री। माँ, पुत्र, क्या मेरे पुत्र ने मुझे पकड़ा? नहीं, मैं पुनः रुककर अपने स्वामी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकती। पिताश्री कुछ बता नहीं रहे, कहीं कुछ अनिष्ट तो नहीं? नियम विशेष आम किसी में भेद नहीं करते, उनका पालन सभी के लिए अनिवार्य होता है।